फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं कृति रानी आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। और कैसे हैं आप सब। मेरा नन्हा शैतान आ गया ट्यूशन पढ़ के अभी और वो जाएगा स्टेशन अपने दादाजी को स्टेशन से लाने के लिए। नहीं बिटू ए सोनी देखो वो क्या कर रहा है। किसी से कोई बातचीत नहीं करना है उसको, बस आया बाइक का चाबी लिया। पापा जी उसका जाएंगे लेके आए हुए ही तो उन्हीं के साथ जाएगा तब तक मैं और वो जा रहा भी दादाजी को लेकर आएगा। तब तक मैं नाश्ता रेडी रखती हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ और आप लोग खाती हूँ कैसे मैं नाश्ता बनाती हूँ। सबके लिए भी बनाऊँगी नाश्ता एक क्या सुंदर सा नाश्ता। बट ज़्यादा ये वो मैगी वगैरह नहीं हो गया ऐसा मत सोचना कि कुछ ऐसा वैसा। मैगी मेरा खाने का बट मैगी मेरे घर में खत्म हो चुका है तो अब आगे दुकान जाए तो जाए। मैं बोली साथ में चलो कोई तो साथ में तो जाने वाला है नहीं, नहीं तो मैं आगे से जाके लेके आती मैगी, नहीं तो कोई नहीं है साथ में तो आज देखती हूँ कुछ भी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख और अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। और ब्लॉग पे आप लोग बने रहिएगा, देखिए कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। मैं भुजिया काटी हूँ और मैं देखो कितना पतला भुजिया काटी हूँ, कैसे काटी हूँ ये भी मैं बताती हूँ क्योंकि हाथ से तो इतना पतला मैं नहीं काटी हूँ ना। देखो मैं हाथ से काटी हूँ, इसमें ऐसे पतला मुझे आता है काटने बट इससे काटी इसमें घिस के रखी हूँ ना इसमें सही हो जाता है। और इधर मैं चूड़ा निकाली हूँ और ये है मेरा छोटा पापड़ सबको फ्राई करना है। अभी दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे करती हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। और पहले मैं पापड़ को फ्राई करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं भुजिया को करूँगी। धीरे धीरे आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। इसको लोग छोल नहीं बोलते, इससे मार भी बड़ा जबरदस्त वाला पड़ता है। आप इसको क्या बोलते हैं बताइए कमेंट करके। हम लोग इसको छोल नहीं बोलते हैं। कर दी हूँ ऑन और इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ और देखते हैं गर्म हुआ या नहीं। ऑयल पापड़ फ्राई कर लेते हैं। ये इसी तरह बारी बारी से सब इसको सेक लेंगे। और भुजिया के लिए थोड़ा सा जीरा दे देती हूँ और मिर्च लाल होना और इसमें अब फ्लेम को हाई रखेंगे तो थोड़ा सा इसमें पानी हल्का हल्का जो था ना उसको ये हो जाए। और अब इसमें डालना है नमक थोड़ा सा उसके बाद डालेंगे हल्दी और अब इसमें हल्दी से डाल चुके हैं देख सकते हैं ये बन गया है। और ये फ्राई होता है तो मैं आपसे दो चार बातें कर लेती हूँ। और ये मेरा नया लुक है आज कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे करना बस इसीलिए कर ली क्योंकि मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है लेकिन नहीं रहते हैं बट मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। सर ढकना मुझे अच्छा लगता बट ढकती नहीं ठंडा में तो चल जाता है, गर्मी में इतनी गर्मी रहती सर ढकना मुश्किल होता है इसीलिए लेकिन मुझे अच्छा लगता है ढकना ये बात है। आ,
मेरा भुजिया तो रेडी हो रहा है तब तक, और मेरा पापड़ भी देख, और बाबू आएगा पता नहीं कुछ उधर से मार्केट से वो लेके आएगा क्या। और मुझे चूड़ा तो बिल्कुल पसंद नहीं है, फ्राई चूड़ा कर रही हूँ, खाना तो पड़ेगा, खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरा चीज़ खा लूँगी मैं वो सही है, लेकिन इससे मुझे वो तो है ना एक एलर्जी टाइप से, तो मेरे को वही एलर्जी टाइप से है, इससे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बोली थी मैगी, मम्मी बोली नहीं चूड़ा फ्राई कर लो, पापा भी खाएंगे, मैं भी खाऊँगी, सब लोग खाएंगे, बाबू भी नाश्ता कर लेगा, तो मैं चुप ही रह गई, उसमें कोई बोलने का फायदा ही नहीं था, क्योंकि इन लोग को जो पसंद है वही, अब 10 लोग जो खाएंगे वही तो एक लोग के लिए थोड़ा ना पसंद होती होगा। मैगी मेरा और बाबू का फेवरेट, मैं और बाबू खा सकते हैं, मम्मी पापा तो छूटे भी नहीं, तो अब उनके लिए अलग, अपने लिए अलग, इसी वजह से चलो सब साथ में ही बनाते हैं। और मेरा भुजिया रेडी भी कह देख सकते हैं, निकाल लेते हैं, बर्तन पूरा करंटी टाइप से हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। अब इसमें जीरा डालना है और मिर्ची, अब इसमें चूड़ा, और इसको चलाना है उड़ के, फ्लेम को हाई करती हूँ क्योंकि लो था ना, लो नहीं सही होगा, जल्दी से आएगा। मम्मी तेज आंच में है ना, इसमें नमक तो डाल देते चूड़ा में नहीं दिए, इसीलिए तो हल्दी भी नहीं है, ऐसे भी हल्दी का कलर आ गया भुजिया वाले इसमें हल्का। तो मेरा चूड़ा फ्राई हो चुका है और गैस को करेंगे ऑफ, थोड़ा सा इसमें ही ठंडा होने छोड़ेंगे, फिर ये करंची टाइप से हो जाएगा। अब नाश्ता बन के रेडी चुका हो चुका है, अब खाने वाले के आने की कमी है, आएंगे तो लगाएंगे। और ये इसको किसको किसको ये पसंद है, ये मेरा घर का लाइटर है, होता था ना इस टाइप से मारने वाला, तो वो नहीं है, ये लगभग 5-6 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, एक ख़राब हो गया था येलो कलर वाला, तो फिर ये मंगवाई हूँ। देखो इसमें कुछ करने का नहीं, इसमें इससे ही करने से ये होता, और इससे टॉर्च भी जलता है, साथ में दोनों काम हो जाता है, जब लाइट वेट वगैरह कट गया है अचानक से, इन्वर्टर ऑन नहीं है, तो इसमें यही तुरंत इससे जाकर देख के ये कर सकते, इससे जलाने का भी काम में आ गया है, इससे लाइट जलाने का भी काम में, दोनों काम एक साथ हो जाता है। और अभी मैं मिलाती हूँ सबको नाश्ता देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे मैं मिलाई हूँ, अभी तो ये रेडी हो चुका है। लोग के लिए चूड़ा ये शैतान जाके इसीलिए गया था मार्केट लाने के। देखो ये क्या खा रहे हो बाबू, एफटी चाट कौन दिया पापा, पापा मार्केट किस लिए गया था, एलजी और पापा दोनों मार्केट गया था किस लिए ये बताओ, दादाजी को लाने के लिए। तो ये चाट कैसे आ गया हम लोग को यहाँ, चूड़ा बोले मैगी बनाएंगे, कोई नहीं मैगी का सपोर्ट किया, उसका तुम्हारे लिए चाट आया, मेरे लिए क्यों नहीं लाया, हमको क्या पता, क्या नहीं पता आपको, आपको ये नहीं पता खाते हैं, बोलो आपको ये नहीं पता था कि मम्मा को भी चाट पसंद है, तुम हमको भी खिलाएगा क्या, आपको तो पास्ता पसंद था, क्या चीज, मुझे पास्ता पसंद था इसीलिए आप चाट ला के खाने लगे, अच्छा थोड़ा नाश्ता कर लूँ उसके बाद जा रही हूँ नाश्ता करने, आप लोग भी कर दीजिए।
और मेरा नाश्ता अलग टाइप से होता है, सबका अलग पसंद, मेरा अलग पसंद, सबसे यूनिक पसंद मेरा है। मेरा नाश्ता हो चुका रेडी और मेरा पेट का जो चूहा था वो शांत हो चुका है, और अब जाती हूँ बर्तन जो खाई हूँ तो वो तो धोना पड़ेगा, अब जाती हूँ बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद ये लड़को पढ़ने बैठ रहा है अभी, ये नहीं बेटू पढ़ाई करने बैठा है ना, अच्छा इसमें लगा के पढ़ो जल्दी जल्दी। मैं यही कि वीडियो को अब समाप्त करना चाहूँगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखिए।